आपका हमारे YouTube चैनल SP कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको UPTGT 1999 जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको हल कराने जा रहे हैं। 2016 का पेपर हम अगला करा चुके। अब देखिए नीचे से ऊपर की ओर देखिए, सभी सेट आपको हम हल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतवर्ष में पर आ गया ऐतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिर्जापुर। क्वेश्चन के आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है नीचे उसको पढ़ लीजिए आप। यदि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक चित्र प्रधानता में किस विषय से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, आखेट संबंधी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, बादामी गुफा। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा जूमिंग कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 64। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो ओस्टवाल्ड चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं एक दूसरे के विरोधी या पूरक रंग कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नारंगी। तो देखिए आपका ओस्टवाल्ड चक्र है, इसको बना लीजिए। इसमें जो पास वाले रंग होते हैं सहयोगी रंग कहलाते हैं, और जो आमने सामने के रंग होते हैं अपोजिट होते हैं उनको विरोधी रंग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, धरातल, क्योंकि चित्र बनाने के लिए धरातल तो जो है मस्ट है, बिना धरातल के आप चित्र की रचना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा, मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 9, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाल शैली। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अजंता के किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुफा नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन असंबद्ध है? तो देखिए तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा, बीजाद। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर लीजिए, गलत भी हो सकता है, वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो इसका ऑप्शन 3 से है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी शैली को रखा है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 14 पर आ जाइए, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, बूंदी शैली। क्वेश्चन नंबर 15, किशनगढ़ के कवि कलाकार कलाम मर्मक शासक का नाम है? तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, सावंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 18, ईरानी शैली की एक विशेषता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्र कूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम था? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कृष्णराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 21, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है?
तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 22, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो इसका ऑप्शन फोर सही है, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो इसका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 24, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार है? तो इसका ऑप्शन ए से फर्स्ट सही हो जाएगा, नंदलाल बसु। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो इसका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, इक्षेंद्रनाथ मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, रथिन मित्रा। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद हैदर रजा है, इसका ऑप्शन जो है फोर सही हो जाएगा, अमूर्त चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 28, ऐ संबंध बताइए, तो इसका ऑप्शन जो है इनमें जो अलग है वो आपको बताना है, फोर सही हो जाएगा, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट ग्राफिक और प्रिंट मेकिंग से के सिद्ध हस्तकलाकार है, बाकी तीनों मूर्तिकार है। क्वेश्चन नंबर 29, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्रशैली है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही है, किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? तो इसका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो इसका ऑप्शन थ्री से है, सत्री। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला से कला में अधिक बने? तो इसका ऑप्शन टू से है, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 34, राम किंकर का जन्म हुआ था? तो इसका ऑप्शन चार सही हो जाएगा, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बंगाल स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 37, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन फोर सही है, गोपाल घोष। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 39, इक्षेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो इसका ऑप्शन टू से इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 40, किस चित्रकार ने बाघ अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रों को की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, आसित कुमार हल्दर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, विषाद। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के चित्रशैली में काम किया? तो इसका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, भारतीय ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन नंबर 45, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? तो इसका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 46, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका ऑप्शन टू सही है, 1919। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए,
ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 48, मोने के किस क्षेत्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सूर्योदय का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, रणवीर सिंह विष्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो जो है लाइन से मिल जाएंगी। धन्यवाद।